हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसें शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी, अगर हमारी किडनी नहीं खराब होती ना, जब हमारी किडनी पूरी पूर्णतया खराब हो गई, हमें एक संत थे जो किडनी जिनकी फेल थी, उन्होंने कहा अगर अब आप व्यायाम करते तो फट जाएगी, क्योंकि फूल चुकी है। उस दिन से व्यायाम बंद किया, नहीं जब से सुधी संभाला होगा 45 मिनट, कई मिनट सर के बल खड़े होना, बिना किसी सपोर्ट के सर के बल खड़े होना, दंड बैठक मारना और भी आसन व्यायाम 45 मिनट। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओगे, नहीं, 45 मिनट व्यायाम करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके अपने ठाकुर की सेवा, गुरु जी के 2 बजे प्रसाद पाते थे मांग करके, चाय नाश्ता सब कुछ ले 24 घंटे में ब्रजवासियों का 2 बजे प्रसाद पाते थे। ये तो आज रोग दिया है तो श्री जी ने सुविधा दे दी, नहीं तो जी ही नहीं पाते। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना, देखो आप देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा हो आप सह गए उसे बलवान कहते हैं, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते हैं। आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं आप बलवान हैं, लोभ को आप जीत रहे हैं आप बलवान हैं, दूसरा कोई बीमार पड़ा है आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता, आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या अपने सुख के लिए, बस हमारा शरीर सुखी रहे, दूसरे को छुरी से काट दो कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं जिनको विकार परास्त करते हैं। आप बलवान बनो।